Maria. धन्यवाद मोदीया। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार को ये पता है कि बिचौलिए के कारण केंद्रीय भंडारण में भंडारित सब्जियां जनता तक नहीं पहुंचने के कारण महंगाई शर्म सीमा तक पहुंच जाती है, और बिचौलिए के खिलाफ सरकार क्या कानून बनाना चाहती है, और प्याज और लहसुन इत्यादि आवश्यक वस्तुओं को पैदावार के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दे रही है, एवं चालू वित्त वर्ष में सरकार प्याज और एवं लहसुन के अनुसंधान पर कितना धनराशि खर्च किया है, वो माननीय मंत्री जी बताएं। जहाँ तक संशोधन के बारे में कितना खर्चा किया है इसकी फिगर मेरे पास अभी नहीं है, मगर मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये काम कंटिन्यूस होता है। प्याज के बारे में, लहसुन के बारे में जो स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस देश में है वो काम करते हैं। और इसे दूसरा जो सवाल यहाँ पूछा गया है कि इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए सरकार कुछ सोच रही थी। आज हॉर्टिकल्चर मिशन की स्कीम है कि जिसमें 2300 करोड़ की लागत अभी तक लगाई है, ऐसी ही स्कीम नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बनाई है, इसके माध्यम से वहां मदद की जाती है। और अभी हम ये सोच रहे हैं कि इस देश में जितनी हर राज्य की राजधानी है और 10 लाख के ऊपर जो शहर है, इसके 50 किलोमीटर में खास तौर पर सब्जी का एक ज्यादा प्रोग्राम हम लेना चाहते हैं, और इसकी तैयारी हमारे मिनिस्ट्री के माध्यम से शुरू हो गई है, और मैं इसका फाइनल नक्शा सदन के सामने जल्दी रख सकूंगा।